ही सेंसेक्स 106 अंकों की बढ़त लेकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाके बंद हुआ है। वहीं निफ्टी की बात करें, करीब 0.5% की तेजी लेकर ये भी आज बंद हुआ है। आज मिड कैप ने भी तेजी की डबल सेंचुरी लगाई है और इंडेक्स की बात करें लगभग 1.5% की मजबूती लेकर इसकी क्लोजिंग हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी में आज हमने थोड़ी सी कमजोरी का आलम देखा है। ओवरऑल आज का बाजार कैसा रहा, विस्तार से हम बताएंगे हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष ये बताएं कि बाजार में आज का दिन भी तेजी का ही रहा, लेकिन उसमें भी कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा एक्शन में रहे ये बताएं। सबसे तगड़ा तो आज सीमेंट स्पेस में एक्शन था, क्योंकि एसीसी के तिमाही रिजल्ट्स आए थे, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। एसीसी में 12% का उछाल देखने को मिला, और एसीसी ही नहीं, ग्रासिम, अंबुजा, इंडिया सीमेंट्स सब आपकी स्क्रीन पर 7-8% के उछाल के साथ इन तमाम स्टॉक्स में आज कामकाज होता हुआ नजर आया। सीमेंट्स में बाइंग थी और मेटल्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली, खासतौर पर वो चीन के स्टिमुलस की जो बात सामने आई, उसके बाद हिंडाल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स 3-6% ऊपर थे, और टाटा स्टील में भी दिन के दौरान 2-2% के आसपास का उछाल देखने को मिला। हाँ, एक पॉकेट जो प्रेशर में थी, जैसे मैंने कहा बैंक्स एक अंडर परफॉर्मर थे, उसमें फाइनेंशियल्स में आप जोड़ लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक 2% की कमजोरी, बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में दबाव था, और ये दो स्टॉक्स जो अब तक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, ये अच्छे बाजार में भी ऊपर से कुछ ठंडे, कुछ मुनाफा वसूली का दबाव झेलते हुए नजर आए। कल आपको याद होगा पूरे दिन एक्शन में थे टू व्हीलर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, कल हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो 6-6% टूटे थे कंपटीशन बढ़ने के डर से, और आज भी ये स्टॉक संभल नहीं पाए, 1.5-2% की कमजोरी थी। इस टू व्हीलर स्पेस में इकलौती ऐसी कंपनी टीवीएस मोटर्स जो रिबाउंड फाइनली करती हुई नजर आई, 2% का उछाल था। ओवर द वीकेंड शनिवार को आपको जीएसटी काउंसिल की खबरें आई थी, दरें घटाई गई, जीएसटी रेट घटाए गए, तो व्हाइट गुड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में अच्छी खरीदारी हुई कल, और आज दिन के दौरान हमारे संवाददाता ने खबर भी दी कि इंपोर्ट ड्यूटी शायद लगाई जा सकती है, उसके बाद फिर ये स्टॉक्स टूल पकड़ते हुए नजर आए। बीपीएल, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे स्टॉक 10-20% की मजबूती, और एक और स्पेस आज लंबे अरसे बाद जो एक्शन में आई वो है रेलवे से जुड़ी कंपनीज, तो टीटागढ़ वैगन्स, टेक्स रेल, दोनों 20-20% के अपर सर्किट पर। लेकिन ये तो बात हुई है आज के कारोबार की, शुक्रिया आशीष। लेकिन कल बाजार के लिए क्या अहम क्यूज़ है और क्या बाजार की तेज़ी हम कल भी कायम देखेंगे, बताएंगे हमें हमारे प्रदीप, हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या। प्रदीप ये बताएं कि अहम नतीजे भी होंगे कल बाजार के लिए, कौन कौन से नतीजे होंगे और चाल कैसी रहेगी बाजार की? नतीजों का मौसम चल रहा है, लेकिन कल प्राइमरी मार्केट में एक बड़ा इवेंट है और उस पर नजर होगी। इशू खुल रहा है और वो इशू है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी HDFC म्यूचुअल फंड को चलाने वाली कंपनी का। इसका इंतज़ार था बाजार को लंबे समय से, और पिछले हफ्ते भर से जब से इसकी घोषणा हुई तब से, खास तौर पे अगले 3 दिन ये इशू खुला रहेगा, काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिलने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ये इशू जो इस वक्त एक लिस्टेड कंपनी है रिलायंस निप्पॉन, उसके मुकाबले कुछ प्रीमियम पे आ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की ब्रांड इक्विटी को देखते हुए और इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इससे इसको रिस्पॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, ज़्यादातर लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं। नतीजों में हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी अहम नंबर, खास तौर पे बजाज ऑटो के हाल के बयानों के बाद, और इसके अलावा भारती इंफ्राटेल, LNT, ये बड़ी कंपनियां। मिड कैप कंपनीज में, सेकेंड लाइन कंपनीज में अंबुजा सीमेंट, ACC के अच्छे नतीजे के बाद अंबुजा सीमेंट थोड़े कमज़ोर नतीजे देगा ऐसी आशंका है। BHEL बड़ा अंडर परफॉर्मर है, इसके अलावा कैनरा बैंक के नतीजे आएंगे, क्रॉम्पटन कंज्यूमर के नतीजे आएंगे, IRB इंफ्रा, JSW स्टील, जुबिलेंट फूड, ट्रेडर्स के लिहाज से जुबिलेंट फूड एक काफ़ी अहम नतीजा होगा जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। वायदा कारोबार में बड़ी पोजीशंस बनती हैं इस स्टॉक पे, तो यह है कुछ खास नतीजे जिन पर मार्केट का फोकस रहेगा। ऑलराइट, शुक्रिया प्रदीप इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। लेकिन अब कल की रणनीति के लिए आप आज से ही तैयारी कर सकते हैं, और इसमें हमारी मदद करेंगे HDFC सिक्योरिटीज़ के VK शर्मा। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कल का बाज़ार में। तो बाज़ार की चाल पर हम बात करेंगे, अहम नतीजे तो कल हैं ही, उन पर विस्तार से आपकी सलाह लेंगे आगे चलकर। लेकिन बाज़ार की जो तेज़ी है दूसरे सेशन भी इस हफ्ते कायम रही है, अब ये बताएं कि ट्रिगर्स तो मेरे ख्याल से घरेलू बाज़ार के से ही हमें मिल रहे हैं, नतीजों के लिहाज ट्रिगर्स हैं जो बाजार को एक दशा और दिशा देंगे, लेकिन अब मोड अगर हम भापना चाहें बाजार का तो कैसा है, जो कारोबारी सत्र अब बचे हुए हैं इस हफ्ते, उनमें अहम ट्रिगर्स बाजार के लिए क्या होंगे? जी नमस्ते कविता जी और आप सभी दर्शकों को, मेरा मानना है कि ये समय है कि जब गुब्बारे छोड़े जाएं
थोड़ी मिठाइयाँ बांटी जाएं, क्योंकि आज निफ्टी ने अपना उच्चतम क्लोजिंग लेवल देखा है 11,134, और पहले बता दें कि 29 जनवरी को हाईएस्ट गया था 11,130। तो ये अब आज वो पहला दिन है जब निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अपने उच्चतम लेवल के ऊपर हैं, तो अच्छी बात है। हाँ, जो इन्वेस्टर है, आम जो श्रोता है, उसके पोर्टफोलियो में आप पाएंगे कि थोड़ी अभी मंदी है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स अभी भी अपने उच्चतम लेवल से करीब क्रमशः 15-24% नीचे हैं। तो यहाँ पे भी समय लगेगा, लेकिन आप इंडेक्स नीचे नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप है ये ऊपर आएंगे। कविता जी, याद होगा मैंने यही आपके ही प्रोग्राम में बोला था कि 15 अगस्त को जब तिरंगा लहराएंगे हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को, उसके पहले बाजार अपना बिगुल बजा चुका होगा नए हाइस का। तो ये भगवान की दया है कि ये संभव हुआ है, और मेरे ख्याल से एक ये अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि लोगों की नज़र में जब नया हाई बनता है तो FIs जो नेगेटिव हो रहे थे अभी तक, वो भी आगे चलते हुए बायर बनते नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये जो आपका विश्लेषण है, इसके पीछे आपने क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए हैं, अगर हमें ये जानना हो तो आप क्या समझाएंगे शर्मा जी? देखिए, अभी ये देखिए हमारा जो मार्केट है या जो वीकनेस आई है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वो किसी फंडामेंटल वजह से नहीं आई, उसके तकनीकी कारण है। भले ही वो सेबी का उसका क्लासिफिकेशन हो म्यूचुअल फंड्स का, या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा लगाई गई मार्जिन हो, तो उसके तहत ये स्टॉक्स नीचे आए हैं। और एक बार जब पोजिशन टूटती है तो फिर वो टूटती चली जाती है, फिर वो एक तरह से बाढ़ सी आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चिंता का विषय नहीं है, यहाँ पे हम धीरे धीरे पाएंगे कि वो जो लेवल है हम आगे बढ़ते हुए उनको देखेंगे, और उसके लिए आवश्यक रहेगा कि जो म्यूचुअल फंड्स में लगातार अगर स्मॉल कैप्स में पैसा आएगा तो यहाँ पे हम स्मॉल कैप्स के अंदर भी बढ़ोतरी देखेंगे। लेकिन ये जो रिकवरी है ये आएगी, आप ये ना समझें कि अब यहाँ पे सेंसेक्स में गिरावट आएगी इसलिए हमारे जो मिड कैप्स हैं वो और गिरेंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। ऑलराइट शर्मा जी, क्योंकि आपके एनालिसिस अक्सर काफ़ी सटीक होती है, तो यहाँ पर मुझे ये समझना है कि इस वित्त वर्ष में जो अभी तक नतीजे आए हैं पहली तिमाही के, कंपनियों ने पेश किए हैं, एक क्या ट्रेंड आप पकड़कर समझा पाएंगे? क्या लग रहा है कि रूरल डिमांड में कुछ पिकअप आती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर कंजम्पशन स्टोरी कुछ प्रॉमिसिंग बनती हुई दिखाई दे रही है, नतीजों के तर्ज पर जो अभी तक आए हैं उसकी तर्ज पर अगर आप करें विश्लेषण तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं कंपनी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये जो अलग अलग कंपनियों ने बताया है और वो सभी ने ये सराहा है इस बात को कि जो लोकल कंजम्पशन है, रूरल कंजम्पशन, वो बढ़ा है, और यहाँ पे वो रूरल मार्केट हमारे शहरी बाजारों से ज़्यादा तंदुरुस्त है। तो ये तंदुरुस्ती अच्छे मानसून की वजह से और बनी रहेगी। जून के अंदर हमारा मानसून डेफिशिएंट था करीब 8%, और अब महज जून जुलाई को कंबाइन भी कर लें तो भी हम सिर्फ 2.5% डेफिशिएंट हैं अपने एवरेज से, यानी कि अगर नॉर्मल से 4% भी मानसून अगर डेफिशिएंट रहे तो भी वो नॉर्मली कहलाता है। तो उस दृष्टि से हमारे जो फोरकास्ट थी उससे बेहतर मानसून है। मैं हाल ही में चिपलून गया था और वहाँ पे देखा गया था कि जो टैंक्स हैं वो सितंबर में जब गया था तो कम भरे थे, और अभी जुलाई के अंदर इतने भरे हुए हैं जैसे मैंने सितंबर में भी नहीं देखे थे। तो काफ़ी हद तक महाराष्ट्र के इलाके के लिए और बाकी अन्य जो नेशनल एवरेज है वो बहुत ही सराहनीय है, अच्छा है, और इससे परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बाजार बंद होने के बाद जो अहम नतीजे आए हैं उन पर आपकी राय भी हम लेना चाहेंगे। मैं यहाँ बात कर रही हूँ एशियन पेंट्स के नतीजों की, जहाँ पर अगर हम कंसोलिडेटेड मार्जिन की बात करें तो ये बढ़कर 19.9% पे आ गया है, 17.4% से बढ़कर 19.9% पे आ गया है। एबिटा भी देखिए आप 875 करोड़ के आसपास आता हुआ ये आंकड़ा हमने देखा है। आय की बात करें तो ये भी 3815 करोड़ से बढ़कर हो गई है 4390 करोड़ के आसपास। मुनाफे में भी इजाफा देखा गया है और 441 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा पहुंच गया है 571 पर। लेकिन चलिए नतीजों पर हम विस्तार से बात करते हैं, हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये बताएं कि नंबर्स तो हमने देख लिए हैं लेकिन विश्लेषण आप कैसे करेंगे? देखिए, एशियन पेंट्स के नतीजे तो बहुत ही बेहतरीन हैं, लो बेस पे कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की है,
आय, मुनाफा, मार्जिन तीनों ही पैमाने पे कंपनी के जो नतीजे हैं हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। खासकर मार्जिन में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। वहीं मैनेजमेंट का कहना है कि GST की जो दरें घटाई गई है उसका फ़ायदा आगे कंपनी के डिमांड में होगा, लेकिन रॉ मटेरियल की जो कीमतें बढ़ती जा रही है इसका शायद नेगेटिव असर आगे जाके आपको देखने मिले। और इस रॉ मटेरियल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद दरअसल कंपनी शायद अपने प्रोडक्ट की कीमतें नहीं बढ़ा पाए, तो नतीजे तो कंपनी के काफ़ी बेहतर है लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो थोड़ी चिंताजनक है। ऑलराइट, शुक्रिया वरुण तमाम डिटेल्स के लिए। और मैं रुक करना चाहूँगी शर्मा जी की ओर। शर्मा जी, आपको इम्प्रेस किए हैं एशियन पेंट्स के नतीजे, ये बताएं बाजार को कितना इम्प्रेस करेंगे और क्या उम्मीद थी बाजार की? देखिए, जो बाजार की उम्मीद थी उससे थोड़े बेहतर नतीजे हैं, लेकिन बाजार फ्यूचर को ज़्यादा डिस्काउंट करता है, तो उसके तहत मेरे ख्याल से नतीजों पे जो, क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी बढ़ोतरी हम पहले ही देख चुके हैं इस महीने के अंदर, तो इसके अंदर और फर्दर बढ़ोतरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पहले पोजिशन्स बनाई हैं वो शायद यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो इसलिए अगर इंतज़ार हो स्टॉक को लेने का तो थोड़ा रुकावट के या गिरावट के अंदर इसको देखा जा सकता है। ऑलराइट, और वो कोई खास लेवल आप बताना चाहेंगे गिरावट का जहां पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है? मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक के लिए 5% गिरावट बहुत होती है, तो ये नहीं कह रहा कि गिरेगा स्टॉक, पर गिरता है तो ले सकते हैं, वरना जो गाइडेंस है उसके तहत ऑल्दो क्रूड अपने लेवल से 80 से काफ़ी नीचे आ चुका है अभी, लेकिन फिर भी अब यहाँ से और ज़्यादा गिरने की आशंकाएँ कम है, या संभावनाएँ कहना चाहिए कम है, तो ऐसे माहौल के अंदर जो लोग इंतज़ार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा नई पोजीशंस लेने के लिए। ऑलराइट, गिरावट में खरीदारी करें एशियन पेंट्स में, यही सलाह दी जा रही है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और L&T के नतीजे कल जारी होंगे और हम आपके लिए लेकर आते हैं एनालिसिस। नतीजों से पहले L&T में आज खरीदारी भी हमने काफ़ी हद तक देखी है और आज हमने देखा कि आज के कारोबार में शेयर में लगभग 3% तक की तेज़ी का रुझान भी रहा है। अनुमान आपके पास पेश करते हैं जहाँ पर तिमाही में जो मुनाफा है कंपनी का वो 890 करोड़ से बढ़कर लगभग 1170 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है, और आय की बात करें तो 23,990 करोड़ से बढ़कर 26,465 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने की संभावना है। एबिटा 2056 से बढ़कर 2541 के आसपास आने की संभावना है और मार्जिन 8.5 से बढ़कर 9.6% आने का अनुमान है। शर्मा जी, अनुमान के मुताबिक अगर हम देखें तो नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है, लेकिन बाजार क्या पकड़ के चल रहा है और क्या आप इस अनुमान से इत्तेफाक रखते हैं? मेरे ख्याल से ये सही है और ये आपका जो नंबर है वो करीब करीब एस्टिमेट्स ही हैं, तो मार्जिन एक्सपेंशन भी थोड़ा देख पाएंगे और मुझे ये लगता है कि ये ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है इस महीने के अंदर, तो जब वो स्टॉक ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है तो अच्छे नंबर और अच्छे लगने लगते हैं, तो अगर नतीजे ठीक आते हैं और ऑर्डर बुक में पोजीशन हेल्दी दिखाते हैं तो कोई वजह नहीं कि ये स्टॉक चलना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली नतीजों का इंतज़ार पहले करना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और कल हम देखेंगे हीरो मोटोकॉर्प के भी नतीजे आएंगे जहां पर तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है 914 करोड़ से बढ़कर 998 करोड़ रहने का अनुमान है और आय की बात करें तो ये 7972 से बढ़कर यहां पर 9078 करोड़ के आसपास आने की संभावना है। एबिटा 1296 करोड़ से बढ़कर लगभग 1431 करोड़ आने का अनुमान है, हालांकि एबिटा मार्जिन में थोड़ी सी कमी आने की गुंजाइश है, 16.3% से कम होकर 15.8% पर यह आंकड़ा आ सकता है। शर्मा जी, आपका टेक? ये जो कंपनी के नंबर्स होते हैं ऑटो कंपनीज के वो डिस्काउंट हो जाते हैं बिकॉज मंथली फिगर सभी लोग देखते हैं, और दूसरी बात कंपनी ने कोई प्राइस राइज भी नहीं ली है, तो उसके तहत जो भी आप वॉल्यूम के अंदर रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ देखेंगे वॉल्यूम बेस्ड ही होगा जो डिस्काउंटेड होता है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये देखते हुए कि माहौल थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन ये स्टॉक बजाज ऑटो के रिजल्ट के साथ ही साथ साथ गिर चुका है, तो ऐसे माहौल के अंदर ये नतीजों के बाद गिर पाना इसका थोड़ा मुश्किल लगता है। नतीजे थोड़े बेहतर ही होंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है वो ये कि क्या गाइडेंस और फर्दर आगे बताते हैं, कि खासकर ये देखा जाए कि बजाज अगर मार्जिन
अगर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहेगा तो ऑब्वियसली पूरे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, जिसके तहत मार्जिन और भी आगे चल के कम हो सकते हैं। ये चीज़ रहेगी, उसको किस तरह से मैनेजमेंट टैकल करता है ये देखने वाली बात रहेगी रिजल्ट्स के साथ साथ। ऑलराइट, इनके अलावा शर्मा जी, जो अहम नतीजे भारतीय इंफ्राटेल, जुबलिन फूड, अंबुजा सीमेंट हैं, और क्या इनमें से किसी पर आप अपनी विशेष टिप्पणी या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मेरी टिप्पणी तो कोई विशेष नहीं है, लेकिन यही कहूँगा कि टेलीकॉम से थोड़ा दूर रहें, और स्टील कंपनीज अच्छा करेंगी, और JSW उनमें से काफ़ी अच्छे रिटर्न देगा। नेट प्रॉफिट करीब 240% जैसा इसका बढ़ सकता है, आय भी करीब 36% की वृद्धि देखेंगे। तो मेरे ख्याल से मेटल्स अब यहाँ से एक जो करेक्शन था वो पूरा होने को है, और यहाँ से रिजल्ट्स के बाद अक्सर स्टॉक बढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिजल्ट के बाद और बढ़ेगा। और राइट, हम आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं निफ्टी स्ट्रैटेजीज की ओर। हमारे जानकार जो रणनीति आपके लिए लेकर आए हैं वो पेश करते हैं। मुदित गोयल की रणनीति पेश करूंगी। सबसे पहले खरीदारी की सलाह है, 11,200 का टारगेट, 11,090 का स्टॉप लॉस ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं। प्रदीप होचंदानी भी खरीदारी की ही सलाह लेकर आए हैं, 11,230 का टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन इस पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस 11,050 का। शेयर इंडिया के नीरव वखारिया खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 11,240 का टारगेट होगा, 11,065 का ये आपको रेकमेंड कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो M&M फाइनेंशियल में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं रुचित जैन, और इन्होंने जो लेवल्स दिए हैं 520 का टारगेट है, 465 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और डेरिवेटिव्स में राहुल शाह HPCL में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 300 का टारगेट होगा, 277 का स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं इस सौदे के लिए। तो ये हमारी जानकारों की राय होगी खास आपके लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है वैल्यू पिक जानने का। शर्मा जी, इंतजार होता है आपकी खास वैल्यू पिक का, जो आप रिसर्च करके हमारे दर्शकों को बताते हैं। मुनाफे का कौन सा सौदा है जो मिलेगा दर्शकों को आपकी वैल्यू पिक में, क्या है वो आज? जी नमस्ते कविता जी दोबारा, और मैं ये कहूँगा कि ये कोई वैल्यू पिक, मैं कोई छोटी मोटी कंपनी ढूंढ के नहीं लाया हूँ, और ढूंढना भी नहीं पड़ा, ये सबके सामने है, निफ्टी का एक पार्ट है और उस कंपनी का नाम है ITC। क्योंकि ये तंबाकू की कंपनी है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और तंबाकू का इस्तेमाल मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स और इनके होटल्स में ज़रूर रुकते हैं। तो ये देखते हुए कि ये कंपनी एक साल के अंदर कोई किसी प्रकार की रिटर्न इन्होंने नहीं दी है, एक साल का अगर देखें तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ है। हाँ, जो डिविडेंड है वो जरूर आपको 1.8% डिविडेंड यील्ड के तौर पे जरूर मिलता है, लेकिन अगर हम इस कंपनी को और थोड़ा पीछे जाएं 2003 से देखें, और तो ये कंपनी 2003 से 2018 के बीच में 15 साल के अंदर इन्होंने 23% सालाना रिटर्न दी है, जो एक बड़ा अमाउंट है। आम तौर पर बोलूं कि 1 करोड़ रुपए जो 2003 में लगा हो अभी वो करीब 20 करोड़ रुपए हो चुका है, लेकिन ये अंदाज़ा आगे के लिए नहीं आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते। आगे के लिए क्या रिटर्न मिल सकता है ये देखते हुए कि पिछले साल कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, आने वाले 2 सालों के अंदर मेरा मानना है कि इसके जो रेवेन्यू है वो करीब 9% ग्रो करेगा और नेट प्रॉफिट 12% सालाना। अब इस अच्छी बात इसमें क्या है कि ये कंपनी धीरे धीरे नॉन टोबैको बिजनेस को बढ़ा रही है। टोबैको बिजनेस जिसके 40% सेल्स और 86% नेट प्रॉफिट जहाँ से आता है उसके अंदर ये कंपनी वेल प्लेस्ड है, इसलिए कि नई कोई भी कंपनी नहीं आ सकती बिकॉज आप विज्ञापन नहीं कर सकते। तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो पियेंगे, उनकी जो स्मोकर्स की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन खपत जो कि त्यों है, तो उस दृष्टि से उसमें रेवेन्यू ग्रोथ नहीं पकड़े, लेकिन बाकी जगह भी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो बड़ा अच्छा देखेगा। FMCG बिजनेस करीब जो अभी 12% है अपने टोटल बिजनेस का, वो 15% हो जाएगा 2020 तक, और हमारा ये मानना है कि अगले एक साल के अंदर जो स्टॉक अभी करीब 284 रुपये भी कोट करता है उसको अगर आप रखें तो आप 358 रुपये का टारगेट लेके चल सकते हैं अगले एक साल के अंदर। और वो वजह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इस फिलहाल ये देखते हुए कि बाकी जो अन्य FMCG के जो कंपनीज हैं उनका वैल्यूएशन बहुत ही परिपक्व हो चुका है। हिंदुस्तान लीवर 42% 42 times ऑफ इस अर्निंग कोट करता है, उसी के सामने 2020 की अर्निंग्स को ये कंपनी करीब 24 पे ही ट्रेड करती है।
तो ये देखते हुए कि नॉन टोबैको बिजनेस इनका 2030 तक 1,00,000 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक लगाया जा सकता है। और ये इसमें नीचे गिरने का डर बहुत ही कम है, क्योंकि ये इसलिए एक साल में इसने किसी प्रकार से ऊपर की ओर पार्टिसिपेट नहीं किया है, और जो रंग ला रहे हैं आगे वो मेरे ख्याल से बाकी बिजनेसेस रंग लाएंगे। और बिल्कुल लॉन्ग टर्म में इसके जो वेरियस बिजनेसेस हैं वो कैपेबल हैं, भले होटल हो, पेपर हो, आपका FMCG बिजनेस हो, और फिर आपके एग्री बिजनेस हो, वो एक अलग अलग कंपनी बनाई उनके अंदर फिर भी जा सकती है, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू एक्रिएशन करेंगे। फिलहाल एक सेफ सा बेट ITC और 30% का रिटर्न आपको मिलेगा। और राइट, एक साल का नजरिया, 358 का टारगेट ITC वैल्यू पे के तौर पे आप रेकमेंड कर रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपके तमाम सवालों के जवाब स्टॉक फटाफट में। वक्त हो गया है आपके तमाम सवालों के जवाब देने का, और पहला सवाल हम लेंगे अजमेर से अशोक का। RBL बैंक पे सवाल पूछना चाहते हैं शर्मा जी। इन्होंने 588 के भाव पे खरीदारी कर रखी है, नजरिए का अंदाजा नहीं है हमें, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगे? मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग की दृष्टि से लिया होगा, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस रखिए, 565 रुपये का खड़े रहिए। अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लिया है, अच्छा बैंक है, 35% के हिसाब से लोन ग्रोथ है और 35% के हिसाब से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आई है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ग्रोथ आगे चल के जारी रह सकती है। 1.4% NPA ग्रॉस लेवल पे मेरे ख्याल से ग्रोथ को देखते हुए काफ़ी कम है, अच्छा बैंक है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो बने रह सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। चलिए, तो रुक रहने की सलाह दी जा रही है, और इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। शर्मा जी, डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? जी, ITC जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है वो मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी है, और जो सलाह बाकी अन्य स्टॉक्स पे दी है वही हम अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी दे रहे हैं। धन्यवाद समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को आज देने के लिए शर्मा जी, और इसी के साथ लगा बाजार में मुझे भी इजाजत दीजिए, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज़ के साथ ही रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।